हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ ऑस्टिन एक्वेडिक्स में। तो यहाँ पे अभी बहुत से एक्जॉटिक फिश स्टॉक्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये लोकेटेड है वसई वेस्ट में, मानिकपुर में। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये एक्जॉटिक फिशेस सब हम देखेंगे, पर उससे पहले यहाँ के ओनर से हम बात करते हैं। हाय ऑस्टिन सर। हेलो गाइस। तो सर, आप बता सकते हो हमारे व्यूवर्स को कि आप इस हॉबी में कब से हो? मैं ये हॉबी में बचपन से हूँ, मतलब आप देखेंगे तो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से मैं ये हॉबी में हूँ। मुझे बहुत शौक था एक्वेरियम का। अच्छा, फिर इस स्टोर को आपके कितना टाइम हो गया? सर जी, मेरे ये स्टोर को 12 ईयर्स हो गए, 12 साल से ये मेरा स्टोर है। ओके। और फिर ऑल ओवर आप फिशेस सप्लाई होते हैं आपके यहाँ से? हाँ, मैं ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता हूँ, बसेस या ट्रेन से। जो भी चार्जेस है वो मैं कस्टमर्स के साथ डिस्कस करके वो सप्लाई करता हूँ। ओके। और व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? यस यस, व्हाट्सएप पे भी आप। ओके। तो ये डेली आपका स्टोर ओपन रहता है, और इसका टाइमिंग क्या है? सर, इसका टाइमिंग 10:30 to 3 तक है, और उसके बाद थोड़ा लंच ब्रेक होता है 2 घंटे का, और उसके बाद 5 to 10 है। 5 to 10 है। ओके। तो आप कुछ, आपका गिव अवे भी चालू है, तो उनके बारे में कुछ आप बताओगे? हाँ, ज़रूर। मेरे चैनल पे मेरा गिव अवे स्टार्ट है, जो बहुत ही बड़ा गिव अवे है। हम गिव अवे में स्टिंगरे गिव अवे कर रहे हैं। ओके। और उसके अंदर एक कंपटीशन है, स्लोमो कंपटीशन। पूरे रूल्स और जो भी रेगुलेशंस है उसके, वो आपको वो वीडियो में मिलेंगे। अच्छा। उसके 4 रूल्स है। ओके। तो आप वो वीडियो देख के आप फॉलो कर सकते हैं। 15 सेकेंड का आपको फीडिंग वीडियो भेजना है आपको, स्लोमो। ओके, स्लो मोशन में। ओके ओके। तो लिंक में आपका ये शेयर करूंगा उसका भी वीडियो। थैंक यू। तो आपका ऑनलाइन भी वेबसाइट है? हाँ, मेरा एक्चुअली एग्जैक्टली वेबसाइट नहीं है, मेरा ऑनलाइन स्टोर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा मैं, आप डाल देना। अच्छा। उसके अंदर आप कोई भी फिशेज, सब जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है, वो जो मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, वो सब ऐड किए हुए हैं एज पर कैटेगरीज। उनके साइजेस, उनके प्राइजेस सब वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके। आप वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो रिसिप्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज के वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। अच्छा। एंड अदर थिंग, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप्लीकेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि हर एक स्टेट और लोकेशन का कॉस्ट अलग अलग है। तो इसलिए हमने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्री है। आप हमसे व्हाट्सएप पे चैट करके हम आपको बता देंगे कि आपका एरिया का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। और सेकेंड थिंग ये है कि वहाँ पे एक COD करके ऑप्शन है, तो ऐसा COD ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं है। वो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट है वहाँ पे, इसलिए वो दिख रहा है। ओके, तो अप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे। ओके, ऑनलाइन ही पेमेंट करना। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करना। ओके। और मुझे एक पूछना था कि ये बड़े से मुझे ड्रिफ्टवुड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या ये कुछ सेटअप के लिए लाए हुए या सेल के लिए है? एक्चुअली सर जी, हमारा बहुत बड़ा सेटअप आ रहा है अपकमिंग, जिसको भी आपको भी हम बुलाएंगे शूट करने के लिए। जरूर। वो 7.5 फुट का हाइट, 3 फीट ऐसे उनके सेटअप्स है, और 8.5 फुट का भी सेटअप है। तो पूरा एक्वास्केपिंग सेटअप है, और उसमें बहुत ही मजा आने वाला है, मतलब बहुत ही बड़ा सेटअप है, आप इमेजिन कर सकते हो उसको। और इसके लिए मुझे एक्चुअली 4 वॉलेंटियर्स चाहिए, जो मैंने मेरे चैनल पे भी कहा है कि आप अगर मेरे लोकेलिटी के नजदीक रहते हो, आपके अगर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स है, वो अगर मेरे लोकेलिटी के नज़दीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फ्री टाइम है तो आप मुझे आके हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका और मेरा दोनों का नॉलेज कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकता है। और उस चीज़ को हम शूट भी करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस भी आप वीडियो में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। या तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी हॉबीस्ट है जिनको एक्वास्केप में मतलब इंटरेस्ट है, और जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, ये बड़ा सा एक टैंक सेटअप इन करने वाले हैं अभी क्लाइंट के यहाँ पे कुछ दिनों बाद, तो आप ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करके ये कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो उस टैंक सेटअप में। तो चलिए फिर अभी हम कुछ एक्जॉटिक फिशेस देखते हैं। ज़रूर ज़रूर। या तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फर्स्ट टैंक ये मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें सब डिस्कस है। तो ये इसमें 4 इंचेस का ये इनका साइज है, और ये कौन से, येलो वाले? येलो वाले गोल्डन सनराइज है। ओके ओके। तो ये इसके अंदर जो रेड वाले हैं वो रेड ईगल है। अच्छा, रेड ईगल है। ओके ओके। तो ये देखिए, और काफ़ी हेल्दी फिश स्टॉक है ये, और बहुत से और भी एक्जोटिक फिशेज आते हैं, और डिस्कस में भी और भी बहुत स्ट्रेन आएंगे, राइट? करेक्ट करेक्ट। ये अभी जो आप देख रहे हो 20% ही स्टॉक है, जैसे आप बोले मुझे आने वाले हो, तो मैंने ये अलाउ किया उसको भेजने के लिए। हाँ। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, उससे भी बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा स्टॉक आने वाला है। ओके ओके। तो नेक्स्ट वीक और भी फिश स्टॉक आएगा। ओके ओके।
तो फ्रेंड्स ज़रूर इनका चैनल आप ज़रूर देखिए, इनका भी ऑस्टिन एक्वेटिक्स नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे भी अपडेट्स होते रहते हैं न्यू स्टॉक के। तो अभी नेक्स्ट टैंक मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें सीएमएस टाइगर फिश है, राइट? ये एनटीडी है 7 inches का। ओके, तो ये भी मॉन्स्टर टैंक के लिए आप रख सकते हो और इनका भी साइज़ अच्छा खासा बढ़ता है कुछ टाइम बाद। यस यस, बहुत साइज़ बढ़ता है इसका, 15 इंचेस तक आराम से जाता है। ओके, 15 इंचेस तक। और पीछे भी एक मॉन्स्टर फिश है, तो ये अराउंड रहेगा 8 इंचेस का। करेक्ट, आरापामा। तो ये तो कुछ 4 feet 5 feet तक जाएगा, राइट? नहीं, उससे भी ज़्यादा होता है वाइल्ड में, लेकिन एक्वेरियम में तो 4 to 5 feet जाता है। या। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी फिशेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके जो प्राइजेस है आप इनके वेबसाइट में देख सकते हो, मैं आपको नीचे लिंक भी दिखा रहा हूँ, प्राइजेस फिश के वहाँ पे सब है और वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये 4 feet का टैंक है, तो ये हाइट अराउंड 3 feet रहेगा, सब हेल्दी स्टॉक है और टैंक भी आप देख सकते हो कितना क्लियर है। और इसमें पैरेट फिश है, टिन फॉइल बार्ब है, अल्बिनो टिन फॉइल बार्ब है, और ये भी है इसमें डॉल्फिन सिकलेट्स, और एक बड़े साइज़ का रॉटकिल सिवराम है जो अराउंड 5 to 6 inches रहेगा, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो ये सब भी फिशेज अवेलेबल है और पैरेट फिशेज भी है इसमें। ये देखिए, ये पैरेट फिशेज का साइज़ अराउंड 3 to 4 inches है। तो आप पैरेट फिशेस पे एक्चुअली देखो, ब्लैक डॉट भी नहीं देख सकते हो, इतने हेल्दी और क्लीन पीसेस है। या और फिन्स भी इनके प्रॉपर ग्रोथ है और सब हेल्दी फिशेस है, कलरेशन भी बहुत अच्छा है इनका। और बड़े साइज के भी कभी कभी आते हैं पैरेट फिशेस। हाँ, मेरे पास किंग कॉन्ग पैरेट्स भी आते हैं। किंग कॉन्ग पैरेट्स मेरा नेक्स्ट वीक में मोस्टली स्टॉक आने वाला है। मैंने आपको जैसे कहा ना, ये स्टॉक आप जो अभी देख रहे हो ना, वो 20% है मेरे शॉप का। मेरे पास जो एक्जोटिक वराइटीज आते हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। हाँ। बहुत ही ज्यादा एक्जोटिक आते हैं, मतलब ब्लैक डायमंड से लेके किंग कॉन्ग पैरेट्स, पीकॉक बास, सब कुछ रहता है मेरे पास। या तो ये भी काफी हेल्दी स्टॉक है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्नेट बाइचर है और ये अराउंड रहेगा 1 feet, राइट? इसका साइज 11 to 12 inches तक है आराम से। और ये भी मॉन्स्टर फिश में आता है और इसका साइज आप बोल सकते हो 2 feet तक चला जाएगा। करेक्ट। और आप मॉन्स्टर टैंक सेटअप कर रहे हो तो ये सब फिशेस आप रख सकते हो। और इसमें भी अलग अलग है अभी इनके पास। हाँ, छोटे साइज में मेरे पास डेलेजी भी है, एंडेचेरीज भी है। या और नॉर्मली जो ग्रीन और अल्बाइनो सिग्नेगल्स आते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे पास। ओके, और मेरे को एक पूछना था बस, इसको आप फीडिंग के लिए क्या देना चाहिए, मतलब? इसके लिए मैं सर अभी इसको गोल्ड फिश फीड करता हूँ, जो लाइव फिश आता है ना वो फीड करता हूँ। आप इसके लिए गोट हार्ट भी डाल सकते हो या ब्लड वर्म्स आप डाल सकते हो। अच्छा, मतलब जो भी कार्निवरस फिश है। ओके, और किसी किसी पास मैंने देखा है वो पैलेट्स भी खाते हैं। अगर वो बचपन से उसको ट्रेन करे तो पैलेट्स भी खाते हैं, लेकिन इतना हेल्दी ग्रोथ उसका लाइव फीड पे भी होता है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये एक और एक टैंक है जिसमें सब एंजल्स है, इसमें बल्जेरियन सील पॉइंट एंजल्स है। एक्चुअली हमारे पास 6 variety के एंजल्स है। अभी जो आप कवर कर रहे हैं टैंक, उसके अंदर बल्गेरियन सील पॉइंट और ब्लू एंजल्स है। एक्चुअली वो बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए थोड़े से उनके कलर डार्क हो गए। तो आप लाइट बैकग्राउंड में रखोगे तो आपको ब्लू इफेक्ट बहुत ईजिली आ जाएगा। या और ये सब एंजल्स अराउंड आप बोल सकते हो 2 to 3 inches के साइज में। 2 to 2.5। या और एक यहाँ पे एंजल्स का टैंक है, इसके अंदर रेड कैप रेड आई एंजल है और मना का पूरा अल्बाइनो एंजल्स है। और नॉर्मल आपको जो स्कार और जो बड़े साइज में एंजल दिख रहे हैं वो स्कार है। हाँ। और मार्बल एंजल्स है। और पीछे बैक साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, वो स्कार एंजल्स है यहाँ पे जो अराउंड रहेंगे 4 inches के, और ये एंजल्स भी 2 to 3 inches के साइज में है। यस करेक्ट। तो एंजल्स का भी अच्छा खासा हेल्दी स्टॉक है यहाँ पे और फिश स्टॉक हमेशा आते रहता है विद इन वीक। तो फ्रेंड्स, ये एक ब्रीडिंग पेयर मैं आपको दिखाता हूँ एंजल्स का। तो इसमें एक स्कार एंजल है और मार्बल एंजल है और ये एग्स है, राइट? यस। एक्चुअली ये जो मेरा स्टॉक है एंजल्स का जो अभी आपने कवर किया। हाँ। उसी के अंदर मुझे ये मेल फीमेल मिले जो अपने लिए जगह बना रहे थे। okay, मैंने उनको अलग से बहुत बड़ा टैंक दे दिया। हाँ। इसके अंदर आप जो ब्लैक एंजल देख रहे हैं वो मेल है। हाँ। जो मार्बल एंजल है और जो व्हाइट है वो फीमेल है। आप एग्स को प्रॉपर हिलते हुए देख सकते हैं उसमें कितने लाइव है। क्लोज आप लेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। या अभी ये 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे। सो उसको हमें डैफनिया खिलाना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। या
तो ऐसे ब्रीडिंग पेयर्स भी अगर किसी हॉबीस्ट को चाहिए तो मिल सकता है? हाँ मिल जाएंगे, लेकिन वो ब्रीड होंगे कि नहीं इसका गारंटी नहीं दे सकता, मेल फीमेल सॉर्ट करके दे दूंगा। ओके ओके, लेकिन वो ब्रीड कर पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। या तो फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल से जैपनीज कोइज है यहाँ पे, जो अराउंड रहेंगे 4 इंच से लेके 1 फीट का है साइज, ये देखिए। और इसमें एक वेल टेल भी है, राइट? यस यस, इसके अंदर एक्चुअली कबूतर कोइज भी है, जैपनीज कोइज भी है और मिल्की कोइज भी है। या तो कोइज का भी आपको बहुत सा फैंसी में वेराइटीज और स्टॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए एक कबूतर कोइज है वहाँ पे। हाँ वो उसका साइज अराउंड 3.5 से 4 इंच का है। तो वो जैपनीज को इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता होगा, राइट? नहीं, उसका एक्चुअली दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसमें से चीप वाला सिर्फ मिल्की कोई है वो चीप है, बाकी ऑलमोस्ट सब स्टॉक सेल आउट हो गया है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दिख रही है। मैंने एक्चुअली इनको पॉन्ड जैसा भी बनाया है, उसका जरा काम चालू है, तो इसको हम मोस्टली पॉन्ड में ही रखते ताकि उसका लुक और निखर गया। और कोई ज़्यादा करके पॉन्ड में ही अच्छे दिखते हैं। हाँ एक्चुअली उनको टॉप व्यू भी अच्छा रहता है, उनको ऊपर से देखने का ही अलग मज़ा है। या तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने आपको वो साइड के टैंक्स और दिखाए थे, और यहाँ पे फिर अभी मैंने एंजल्स आपको दिखाए और कोइज दिखाए, और ये अपर साइड में इनके सिकलेट्स है और ऑस्कर्स है, वो हम अभी देखते हैं। तो ये पूरे इसमें सब 3 to 4 inches के सिकलेट्स है। इसके अंदर जो भी आप अभी जो येलो एंड ब्लू आप जो कवर कर रहे हो वो मौलाना चिकलेट है। ओके, उसका सबका साइज अभी 3.5 inches है मेरे पास। और अभी इसके अंदर जो ब्लू फेस और रेड बॉडी जो चॉकलेट बॉडी आपको दिख रही है वो कोडांगो है। और इसके अंदर सेम कलर में आप जो अभी कवर कर रहे हो वो रेड पिकॉक है। पिकॉक है या। और उसके अंदर और वैरायटी में सल्फर हेड है, जिसके बॉडी पे आपको जो व्हाइटिश येलोइश पैटर्न दिखेगा वो सल्फर हेड चिकलेट्स है। इसके अंदर और 10 से 12 वैरायटी मेरे पास होती है, लेकिन इस बार वो हेल्दी कंडीशन में नहीं था तो हमने इसको अभी तक क्वारंटाइन करने के लिए रखा है। ओके, तो नेक्स्ट वीक 100% वो हमारे टैंक में हो जाएंगे। ओके, और ये पूरा टैंक आप देख सकते हो चिकलेट्स से भरा है, और यहाँ पे भी पूरा हेल्दी स्टॉक है ऑस्कर्स का। इसमें अल्बिनो फायर रेड है और कॉपर ऑस्कर्स है, जो अराउंड सब रहेंगे 4 inches के। और इनका आप कलरेशन देख सकते हो अल्बिनो फायर रेड का, और ये प्योर वाइट लाइट में है, ऐसा नहीं कोई कलर लाइट हमने लगाया हुआ है, ये प्रॉपर वाइट लाइट में जो आपको कलर दिख रहा है। इसके अंदर रेड रोज है, फायर रेड है और ब्लैक टाइगर ऑस्कर्स है। ब्लैक टाइगर ऑस्कर्स है। तो फ्रेंड्स बैक साइड में भी इनका टैंक्स का सेक्शन है, तो पहले ये डिस्प्ले टैंक्स मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें गोल्डन आई बैक है, और ये टैंक जो है 4 फीट का है और हाइट इसका 3 फीट है। और ये जो गोल्डन आई बैक है ये अराउंड रहेगा, ये 22 inches का है। 22 inches का है ये, और इसमें बैंडेड लेपरोनीज है, ये भी सब 10 inches के बड़े साइज में। और ये भी थोड़े एग्रेसिव फिश होते हैं, राइट? ये एग्रेसिव होते हैं उनके लिए जिनका टेल आपको जैसे लैरी टेल वेल टेल जो फिशेस रहते हैं ना, उनके लिए थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं। नॉर्मल मॉन्स्टर्स में आप उसको डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर मेरे पास पिकॉक बास थे, किंग कॉन्ग पैरेट्स थे और एंटिटी थे बड़े बड़े और जैगुआर थे, ये सब उनके साथ ही थे। मतलब कोई इशू नहीं था कि कोई मार रहा है। अगर आप फिशेस को जो उनको हैबिटेट फूड है, जैसा अभी ये सिंकिंग पैलेट्स खाते हैं, तो आप उनको अगर फ्लोटिंग पैलेट डालोगे तो ऑब्वियसली भूख के वजह से वो दूसरे को निपल तो जरूर करेंगे। और ये कौन सा एक फिश है, ये वाला? ये क्यूबन है जिसका साइज 7 inches तक है। ये भी सिकलेट्स वैरायटी में? हाँ ये भी मॉन्स्टर्स में ही आता है। ओके ये देखिए साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो बॉडी टेक्सचर थोड़ा आप बोल सकते हो कलरेशन इसके जैसा है, जैगुआर जैसा है, लेकिन आप फेस अलग है, फेस देखेंगे तो अलग है। तो एक पूछना था कि ऐसे अरवाना स्पेसिफिक कुछ चाहिए आरटीजी या कुछ भी, तो ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं? नहीं, नॉर्मली मेरे शॉप पे अवेलेबल भी होते हैं, अगर नहीं होते तो आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर उसको स्कैनिंग का वीडियो आपको मिलेगा। ओके, और उसके सर्टिफिकेट के फोटो से लेके उसका हेल्थ सब प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा। अच्छा, और फिश का गारंटी हम लोग लेते हैं, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके पास वो फिश लाइव ही पहुंचेगा। सिर्फ आपको हमें उसका बॉक्स ओपनिंग का वीडियो भेजना होता है। ओके और नीचे भी एक टैंक है जिसमें 24 कैरेट क्रॉसबैक है। इसका साइज 20 inches तक है। 20 inches तक है। ये मलेशियन अरवाना है, जो हमने फर्स्ट कवर किया वो सिंगापुर क्योनू फार्म का था। ओके
तो ये भी पूरा कलरेशन आप देख सकते हो, इसका पर्ल्स देख सकते हो, पूरा गोल्डनिश एकदम। और ये एकदम नॉर्मल लाइट है ये टैंक में, राइट? करेक्ट करेक्ट, ये टैनिंग लाइट नहीं है, नॉर्मल लाइट। तो उसमें भी इनका कलरेशन इतना अच्छा हो रहा है, तो आप टैनिंग लाइट्स में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना और अच्छा दिखेगा ये। और प्लेकोज है इसमें, एक बड़ा साइज़ का अल्बिनो प्लेको है, तो ये अराउंड रहेगा 1 फीट के आसपास ही रहेगा ये। तो ये इनका पूरा डिस्प्ले टैंक था जो मैंने आपको दिखाया, बैक साइड में भी कुछ टैंक्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक राइट साइड में पूरा इनका टैंक्स का सेक्शन है जिसमें सब फैंसी फिशेस भी है और स्मॉल साइज़ के भी फिशेस है एग्जॉटिक, तो वो हम कवर करते हैं अभी। इसके अंदर मेरे पास फायर ईल है, इसके अंदर बोलेविन रैम्स है जिसका साइज़ 1.5 से 2 इंच का है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम्सी है जो 2 इंच का साइज़ है। एक्चुअली ये साइज़ तक अभी तक आते नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक मिला है, बहुत कलरेशन देखे इसका। या प्रॉपर सेट फिश है, कोई नहीं बोलेगा कि कली फिश आया है, सेट देखिए कितना है। और ये सब अराउंड 2 इंचेस तो है साइज इनका। यस यस करेक्ट। तो ये भी थोड़ा कितना तक मैक्स साइज जाएगा इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम्सी? मैंने देखा है इसको 7 to 8 inches तक। ओके 7 to 8 inches। और ये ईल तो आराम से 2 फीट तक, 2 फीट आराम से जाता है। तो ये देखिए, मोस्टली स्मॉल साइजेस के आपको देखने नहीं मिलेंगे रेड फायर ईल, थोड़े बड़े साइजेस के ही मिलते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल इनके पास है अवेलेबल। और बोलिविन रैम भी बड़े साइज़ के हो जाते हैं, 3 inches प्लस चले जाते हैं। मेरे पास है ना बड़े साइज़ के, हम धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। ओके ओके। और ये जो एक टैंक है इसमें सब रेड रेम्बोज हैं और ब्लू रेम्बोज भी है, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो ये सब अराउंड 2 inches के कुछ बड़े साइज़ में भी है, और इसमें पेट्रिकोलो कैटफिश भी है जो बैक साइड में 1.5 inches तक है उसका साइज़। ओके, तो आप देख सकते हो स्पॉन्ज फिल्टर के यहाँ पे है, ये देखिए एक आया हुआ यहाँ पे। तो ये मैक्स साइज कितना जाएगा इसका? ये 5 inches तक बढ़ते हैं। ओके, तो ये बॉटम फीडर्स है। या तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब बोस्मानी रेम्बोज हैं और इसमें भी मेल फीमेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब अराउंड 2 inches के साइज़ में, और आप कलरेशन देख सकते हो इनका, ये देखिए। और जैसे आप इनको अपने टैंक में सेट हो जाएंगे तो इनका कलरेशन और आ जाएगा। फीमेल प्लकार्ड्स बीटास भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये देखिए, ये सब कलर्स के आपको फीमेल प्लकार्ड्स बीटा मिल जाएंगे, तो जिनको ब्रीडिंग करना है तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये बीटास होलसेल में भी मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे टाइगर शॉवलनोस कैटफिश है जो अराउंड रहेगा 4 to 5 inches का, तो स्मॉल साइज़ भी मिलेंगे आपको यहाँ पे और बड़े साइज़ के भी मिलेंगे। और कुछ रॉटकिल सिवराम्स भी है यहाँ पे इस टैंक में, और यहाँ पे भी है, ये अराउंड कुछ रहेंगे 3 inches के। कैटफिश का बहुत अच्छा स्टॉक था मेरे पास, उसके अंदर रेडटेल कैटफिश भी थे, शॉवल नोज थे। ओके। और मैं जैसे कहा था सब पार्सल था, ऑल ओवर इंडिया हम बेचते हैं, सब पार्सल चला गया। ये हम जो भी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को बोलना चाहते हैं कि ये जो भी हम कवर कर रहे हैं 20% ही स्टॉक है। गुरु सर का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये स्टॉक भी वो कवर करने आ गए, क्योंकि हमने उनको वर्ड दिया था। सो इसलिए हमने इस बार बहुत ही कम स्टॉक को कवर करे, इसलिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा स्टॉक मिलेगा यहाँ पे। और ये देखिए रॉडकिल सिवराम्स है, तो ये बड़ा साइज़ का भी हमने पहले आपको दिखाया था, और स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्यूटीफुल से किली फिशेस है, ये असॉर्टेड किलीज है। इसके अंदर जो आप जो टेल रेड देख रहे हो उसको रेड नॉर्थो भी बोलते हैं। ओके। और जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं, जो ब्लू टेल में है, इसको ब्लू नॉर्थो बोलते हैं। ओके। पूरा बॉडी ऑरेंज है। ये सब असॉर्टेड है, ये लोकल गार्डनरी जो किली आता है वो ये नहीं है। ओके। इसमें आपको कलर नहीं मिलेंगे जो लोकल में आते हैं। ये सब इम्पोर्टेड वराइटीज। इनका कलरेशन बहुत अच्छा है, और थोड़े से ऐसे फैटी बोल सकते हैं, जो मतलब एकदम थोड़े मोटे, हेल्दी फिशेज है। ये आप आपके एक्वेरियम में डाल सकते हो, जो प्लांटेड एक्वेरियम है जिसमें हाइडिंग प्लेसेस बहुत अच्छे हैं, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो उनका कलरेशन आप तो इधर ही देख सकते हो। या और कम्युनिटी टैंक में ऐसा एक ऐड कर सकते हैं, राइट? दो नहीं रख सकते, राइट? हाँ, ऐसे आप छोटा टैंक रहेगा उसमें हाइडिंग नहीं रहेगा तो आप एक ही डाल सकते हो। या जैसा मैंने अभी इसमें आप देख सकते हो कितने सारे हाइडिंग चीज़ें रखी हुई है, पॉट रखा हुआ है, प्लांट्स रखे हुए हैं, ताकि वो इंटरेक्ट ना हो एक दूसरे से जल्दी। या और ये एक टैंक है जिसमें बड़े साइज़ के बोलिविन रैम्स है। या जैसे मैंने मेंशन किया था कि हमारे पास वो भी अवेलेबल है जिसका साइज़ 2.5 inches तक है। हाँ,
और कौन से कैटफिश है वो जो इसमें वैलेंटिनो कैटफिश है? ओके, वैलेंटिनो जो आपको पेट्रिकोला का एक वैरायटी है। हाँ, ये बड़े साइज के कैटफिश है। हाँ, 3.5 इंच के है ये, देखिए फ्रेंड्स। और इसका पैचेस है बहुत अच्छा सा, ब्लैक स्पॉट्स है सर्कल में। तो ये थोड़े एग्रेसिव है या नहीं? नॉर्मली सबके साथ रहते हैं वो, जितने बड़े नहीं होते साइज में, जैसे वो आरटीसी और शॉवल लोग जितने बड़े होते हैं वैसे नहीं है ये लोग। ओके, और मतलब कितना, 5 to 6 inches? 5 to 6 inches। ओके ओके, तो फ्रेंड्स ये टैंक में गप्पीज है ब्लैक मॉस्को, और ये भी आपको मेल फीमेल यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गप्पीज और स्मॉल फिशेस का भी अच्छा खासा स्टॉक हमेशा आते रहता है। तो फ्रेंड्स इस टैंक में रेंचो गोल्ड फिशेस है जो अराउंड रहेंगे 3 inches के, 3 से 3.5 inch के बीच में साइज़ है इनका। और ये सब आप बॉडी टेक्सचर आप देख सकते हो इनके, और कितने हेल्दी फिशेस है। और फैंसी ओरांडास भी इसमें आते रहते हैं। हाँ, मेरे पास ट्राई कलर गोल्ड फिश लेके सब कुछ, जो लायन हेड ओरांडास है, हाँ, ब्लैक लायन हेड ओरांडास, वो सब मेरे पास आते हैं। पांडा गोल्ड फिश भी आते हैं। ओके, अभी मेरे पास फिलहाल रैंचो आप रेड एंड व्हाइट देख सकते हो, और हाँ, नेक्स्ट टैंक में आप रुंकिन कैलिको और ब्लैक रैंचो भी देख सकते हो। या ये सब अभी मेरे पास 2 से 3 inch के साइज में ही है। और ये भी अच्छा खासा स्टॉक है, कैलिको कुछ बड़े साइज में भी है यहाँ पे। और ये जो टैंक है इसमें सब जियोफेगस है जो अराउंड बोल सकते 3 inches से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर 3 variety है मेरे पास जियोफेगस का। ओके, जो आप अभी कवर करें जिसको टेल पे आपको लाइंस दिख रहे हैं, या वो रेड हेड तपोजास है। ओके, और जो आपको बॉडी पे स्पॉट दिख रहा है, हाँ, वो जियोफेगस ब्राजीलियंस है। ओके, और इसके अंदर जो लास्ट आपको जो अब ये जियोफेगस ब्राजीलियंस है। ओके ओके, जो कलरफुल एकदम, हाँ, और जो फिल्टर के बाजू में है वो सूरिनामेंसिस है। अच्छा, तो अलग अलग जियोफेगस के। हाँ, मेरे पास लास्ट वीक हैकेलिस भी थे जियोफेगस। अच्छा, हाँ, हैकेलिस भी थे। वो भी बहुत ब्यूटीफुल कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका सेल बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रुकते नहीं है। हाँ, आउट ऑफ शॉप हो गया। हमारे पास थोड़े से एक्सोटिक वैरायटीज है, यहाँ पे मेरे पास 2 inch के फ्रंटोसा है, और कैलवस भी है जो ब्लैक कलर में है फ्रंटोसा के नीचे ही, ब्लैक कैलवस, जिसका भी साइज सेम है 2 inch का। और उसके अंदर फायरफॉक्स दिबोसी, येलो बैंड दिबोसी, और डेमासोनी भी है। या डेमासोनी भी है, ये सब अराउंड 2 inches प्लस साइज है। यस यस, अभी फिलहाल अभी 2 ही पैर है यहाँ पे मोनो एंजल्स के, जो अराउंड रहेंगे 2.5 से 3 inches के बीच में। तो कौन से फिशेस के साथ रख सकते हैं? ये चिकलेस के साथ रहेंगे, मोस्टली नॉर्मल फिशेस के साथ नहीं रहेंगे, थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं। या तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिंगरे है जो अराउंड रहेगा 10 inches से 1 feet के बीच में, और ये हाइब्रिड स्टिंगरे है, राइट? हाँ, ये हाइब्रिड पर्ल स्टिंगरे है। ओके, पर्ल स्टिंगरे। इसका पैटर्न देखिए आप, जरा ऊपर से आप उसको कवर कर सकते हो, या इतना बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है उस पर। और ऐसे अलग अलग स्टिंगरेस भी आते रहते हैं? हाँ, मेरे पास ब्लैक डायमंड आता है, हाइब्रिड ब्लैक डायमंड आता है, अल्बाइनो डायमंड आता है। ओके, मोटोरो स्टिंगरे जो अभी गिवे अवे रखा है मैंने, हाँ, वो मोटोरो स्टिंगरे भी मेरे पास बहुत बढ़िया कंडीशन और पैटर्न में आता है मेरे पास। ओके ओके, और यहाँ पे भी स्मॉल साइज के ऑस्कर्स हैं जो अराउंड रहेंगे 2.5 inches के, अल्बिनो फायर रेड। तो फ्रेंड्स ये पूरा सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, और अंदर भी इनका बैक साइड में पूरा सेक्शन है टैंक्स का। तो उनमें कुछ मैं आपको फिश स्टॉक दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ फिशेस है और सामने भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ये सुपर रेड लॉबस्टर है, तो लॉबस्टर का भी बहुत सा स्टॉक आते रहता है यहाँ पे अलग अलग कलर्स का। तो ये अराउंड रहेंगे 4 inches के। ये 2 inches के जेट ब्लैक एंजल्स है यहाँ पे, तो एंजल्स का आपको यहाँ पे अच्छा स्टॉक मिलेगा। बाहर भी मैंने आपको अलग अलग एंजल्स दिखाए थे, और यहाँ पे कलरफुल विडोज़ है जिसमें येलो है, पर्पल है, पिंक है, ग्रीन है, और ये भी अराउंड 1 inch प्लस साइज़ है। तो ये भी बड़े 1.5 inch तक जाता है इनका साइज़ विडोज़ का। और यहाँ पे भी एक ऑस्कर है और एक टाइगर शॉवलनोस कैटफिश है जो थोड़ा बड़ा साइज़ में है, ये अराउंड रहेगा 7 inches to 8 inches। और इससे ही बड़े साइज़ के आते हैं टाइगर शॉवल। हाँ, मेरे पास 18 inches के भी आते हैं। ओके, लेकिन उनको ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको जरा फिन्स उनके थोड़े हैवी रहते हैं, या तो एक्चुअली थैली को पंचर कर देते हैं। ओके ओके, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उनको निगलेक्ट करता हूँ बाहर भेजने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कस्टमर के पास फिश लाइव पहुँचे, या वो कालीकोट कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इशू हो जाता है। या
लास्ट टाइम हमारे पास रिप्सो कैटफिश भी थे ओके, जो हमारे वीडियो में आपको दिखेंगे। हाँ हाँ, तो फ्रेंड्स ये एक टैंक है जिसमें हार्ली क्वीन है और गोल्डन एलिगेटर्स है, तो हार्ली क्वीन का भी अच्छा खासा स्टॉक है और गोल्डन एलिगेटर्स अराउंड 2 inches के है। यहाँ पे इस टैंक में हैम्बर टेट्रा है और सिमिलीज कॉरीज है। ओके, सी कॉरीज में हमारे पास 8 से 10 वैरायटी होते हैं, अल्बाइनो से लेके जेट ब्लैक कॉरीज तक, पेरू कॉरीज सब रहते हैं। हाँ हाँ, अभी मेरे पास फिलहाल टेट्रास का इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है, लेकिन 4-5 वैरायटी ही बचे हुए हैं, ताकि मेरा जो एक्वास्केपिंग का प्रोजेक्ट्स है वो 2-3 जगह पे चालू है, तो वहाँ पे मैंने कल ही फिशेस रिलीज किए। ओके, इस टाइम में कॉपर टेट्रास है और ग्लो लाइट टेट्रास है। या या, और सामने मैं आपको दिखाता हूँ ये लेपर्ड बुश गुरामी है यहाँ पे, तो फिलहाल अभी जस्ट स्टॉक आया हुआ है तो ये सेट नहीं हुआ है टैंक में, पर ये अराउंड साइज बोल सकते हैं 1 inch से थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे 1.5 inch तक है साइज। हाँ, और 1 inch का साइज यहाँ पे, और ये देखिए ये 1 inch के साइज है यहाँ पे, और यहाँ पे बिचीर्स है, ये एंडीचेरी है। ओके, और उसके अंदर ऊपर डेलीजीज है, ये सब डेलीजी है। ओके, और ऑर्नेट उसके अंदर एक पीस है जो कोने में है। हाँ हाँ, जो हमने बड़ा कवर किया उसका छोटा वर्जन। तो ये अराउंड रहेंगे सब 4 inches के, 3 to 4 inches में है ये साइज, और बड़े साइज के भी अवेलेबल है। और ड्वार्फ गुरामीज है यहाँ पे, और स्टर्बी कॉरिडोराज है, जो अराउंड रहेंगे स्टर्बी कॉरिडोराज फुल साइज बोल सकते हैं, और कुछ ग्रीन कॉरिडोराज भी है इसमें, और ड्वार्फ कॉरिडोराज अराउंड 1 inches के साइज में है, और बड़े साइज के हॉकी स्टिक है इसमें, राइट? यस यस, हॉकी स्टिक एक्सेल साइज, एक्सेल साइज है ये। तो फ्रेंड्स ये पूरा टैंक सेक्शन हो गया, अभी मैं आपको एक बॉन्साई का पूरा सेटअप दिखाता हूँ। ये अराउंड 2 feet का रहेगा, राइट? नहीं, ये 2 feet से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये 2.5 आप बोल सकते हो, ये 3 feet से लेके 4 feet टैंक में आप इजीली इसको सेंटर पीस बना सकते, सेंटर पीस यूज़ कर सकते हो। या या, और इसमें अच्छे अच्छे फिर प्लांट्स लगा के पूरा अलग लुक आ जाएगा इसका। हाँ, इसको हम लोग प्रॉपर सेटअप में जैसे जावा मॉस इसके टॉप पे लगा के, हाँ, और इसके आजू बाजू में नॉर्मल प्लांट, स्टेम प्लांट जो छोटे रहते हैं साइज, हाँ, में ज़्यादा बड़े नहीं होते। हर एक एक्वास्केपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, ताकि आपका जो सेंटर पीस है वो निखर के दिखे, बाहर दिखे, हाईलाइट हो। या या, इसलिए उससे उसी तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसे इसके पीछे अगर मैंने बड़े होने वाले प्लांट्स लगा दिए तो इसका पूरा लुक चला जाएगा। या इसलिए मुझे उसको हाईलाइट करना है तो मुझे अलग सेटअप करना पड़ेगा, वही मैं आपको बोल रहा था कि हमारा जो एक्वास्केपिंग का जो सेटअप आ रहा है, हाँ, इसके लिए हम उसको शूट करेंगे ताकि व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि उनके छोटे जो सेटअप्स है वो कैसे बना सकते हैं, वो कैसे एक आइडिया मिल जाएंगे। या या या, तो ऑस्टिन सर कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ ज़रूर गाइस, जो आप स्टॉक देख रहे हो वो कुछ भी स्टॉक नहीं है, मैंने आपको वीडियो में भी 2-3 बार बोला, मुझे एक्चुअली एम्बेरस फील हो रहा है कि ये बहुत ही कम स्टॉक हम लोग जो शूट कर रहे हैं। ये जो आप स्टॉक देख रहे हो 20% है, 80% स्टॉक आप देखोगे नेक्स्ट वीक, हमारा हर फ्राइडे स्टॉक आता है। okay. हम गुरु सर को रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, आप उनके चैनल पे हमें देख सकते हैं, और हमारा जो गिव अवे का जो रिजल्ट है वो भी नेक्स्ट वीक है, वो भी हम गुरु चैनल, गुरु सर के चैनल पे हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। तो गाइज प्लीज़, अगर आप जैसे ये वीडियो को देख रहे हो फटाफट जाके पार्टिसिपेट कीजिए, हमारा वीडियो देखिए, 4 rules है वो जान लीजिए, और हमें WhatsApp कीजिए 15 seconds का स्लोमो वीडियो, अगर वीडियो स्लोमो नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका कितना भी अच्छा वीडियो होने दो, कितने भी अच्छी फिशेज होने दो। या, और जस्ट एक पूछना चाहूंगा, ये जो 15 सेकंड्स का वीडियो है ये WhatsApp या मेल में सेंड कर सकते हैं? आप मुझे WhatsApp कर सकते हो और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेज देना, तो क्वालिटी अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा। या या, तो अश्विन सर मुझे अच्छा लगा आपका ये जो भी लिमिटेड स्टॉक देखने मिला, पर अच्छा एक्सोटिक फिशेज मुझे देखने मिले, तो आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे और अलग अलग कुछ सेटअप्स के भी, एक्वास्केप के भी वीडियोस बनाएंगे। हाँ ज़रूर आइए, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले सबको और हमें भी आपसे कुछ सीखने के लिए मिले। या या, तो थैंक्स सर वंस अगेन कॉलिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या।